हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गदर 2 कैसे कमा रही करोड़ों, अगर कहानी बेकार है। गदर 2 कलेक्शन सनी डियोल, कहानी कोई बेकार नहीं। वही तो लोग बोल रहे थे ना, उनका कहने का ये मतलब है कि बोल रहे थे कहानी बेकार है। कहीं ने बोला था इतनी स्टोरी कोई खास नहीं है, पुरानी गदर जो वो है उसकी वजह से चलेगी, अगर थोड़े और चले अच्छे लगी, मजा आया। कितने लोग बनाते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिग डील। OMG भी पार्ट 2 ही थी, वट एवर इट इज, ठीक है, कंटिन्यू किए ना किए, बट दैट्स फाइन। पॉइंट ये कि जो भी बनाया था लोगों को इमोशन लगा, दे लव्ड इट। और उसमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही लोगों ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो इमोशन जनरेट किया है, जो थॉट प्रोसेस है, काफी अच्छा था। बिल्कुल, और कहानी अच्छी होती है तभी ही मूवी हिट होती है। पब्लिक को बेवकूफ मत समझो, पब्लिक इज वेरी स्मार्ट, पैट्रियोटिक मूवी है, पता है आपको, नहीं देशभक्त बनाती है, फैमिली वैल्यूज दिखाती है, इट्स अ गुड मूवी। पब्लिक को पता है कि क्या अच्छी मूवी है, क्या गंदी होती है, डिफ्रेंशिएट करना पब्लिक को, मोस्ट ऑफ द पीपल को आता है। जो थोड़े बहुत नहीं जिनको आता, वो भी अच्छे जो हैं उनको देख के सीख लेंगे। देखिए, जब भी लोग मूवी देख के बाहर आते हैं, उसी वक्त जो फाइनल उनका, अगर वो खुशी फील करें, वो बताएंगे आपको, मैं बड़ा खुश हूँ, दैट्स इट। बिल्कुल, मैंने तो आते ही बोल दिया था। जो आपको फीलिंग आती है, That is the main feeling. और कई हमने देखे थे जिसमें वो थोड़ा कई पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी रिव्यूज दे रहे थे, तो हमने उसी टाइम बोला था कि दैट डजंट मैटर, ये जो आप नेगेटिव रिव्यूज कर रहे हो, बोल रहे भी रहे हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि एक आध बंदा तो होगा ही अलग, दैट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलो अपना रखिए रिव्यू। बिल्कुल, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अकेला कहने वाला नहीं बल्कि सनी देओल की गदर 2 पर पैसा बरस रहा है, ये आंकड़े कह रहे हैं। वाह। लेकिन इस बरसात के बीच भी एक सूखा इस बात को लेकर कि कई न्यूज साइट्स अपने रिव्यू में फिल्म को दो कौड़ी का बता बोलते ना। कईयों के मुताबिक फिल्म में कुछ है ही नहीं, कहानी बेकार है, लग रही होगी। कोई एक स्टार दे रहा है रिव्यू में, कोई दो स्टार दे रहा, बहुत हुआ तो 3 स्टार दे दिया 5 में से। उसकी अब सवाल यह है कि एक या 2 स्टार के लायक वाली फिल्म 3 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा कैसे कमा ले रही है। 200 करोड़ क्लब उठा। लेकिन उससे पहले बात गदर 2 के गदर बिजनेस मिलेगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गदर 2 अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लकी साबित हुई। गदर 2 कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रही है, साथ ही पूरा वीकेंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड तोड़ कमाई करा। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक बीते वीकेंड सबसे ज्यादा दर्शक थिएटर्स तक आए, कोविड के बाद सबसे ज्यादा कमाई वाला वीकेंड रहा है। ये लो, 11 से 13 अगस्त के बीच 2,10,00,000 दर्शक सिनेमा थिएटर्स में। अरे सारी फैमिली के फैमिली आई होंगी। 100 साल के इतिहास में इतने दर्शक किसी एक वीकेंड में थिएटर तक आ, कमाल, यानी 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतना ही नहीं, एक वीकेंड में 400 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो अपने आप में जबरदस्त। यानी अभी हाल तक जो हिट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स तरस रहे, दर्शक थिएटर तक आ जाए इसके लिए लाल कालीन बिछाने को तैयार, और अब अचानक 400 करोड़ के रिकॉर्ड, ये हुआ कैसे? वैसे ये अकेले गदर 2 की वजह से नहीं हुआ। इस वक्त थिएटर में गदर 2 के अलावा भी कई फिल्में लगी हैं, जिनका इस रिकॉर्ड को बनाने में अपना अपना योगदान। ये फिल्में हैं रजनीकांत की जेलर, जो अकड़ कमाई कर रही, सनी देओल की गदर 2 जिसकी बात हम कर ही रहे हैं, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 को देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भले कुछ दिन पुरानी हो गई, लेकिन इसे देखने के लिए अभी भी लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं। चिरंजीवी की भोला शंकर और हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर, ये सारी फिल्में मिलकर इस रिकॉर्ड को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। सारी फिल्मों ने मिलाकर ये 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन इसमें भी सनी देओल की गदर 2 और रजनीकांत की जेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। ऐसे में गदर 2 की बकवास कहानी और रिकॉर्ड कमाई का सच आपको बताऊं, उससे पहले जरा थलाइबा यानी रजनीकांत की बात करना भी जरूरी। रजनीकांत, जिन्हें साउथ की फिल्मों में नोट छापने की मशीन माना जाता है, वो एक बार फिर वही सच साबित करके दिखा रहे हैं। 72 साल के हो चुके हैं रजनीकांत, लेकिन उनकी नई फिल्म जेलर ने अलग गदर काट रखी। फिल्म ने पहले दिन ही 48 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली।
यानी रजनीकांत को टक्कर देना आज भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बॉस। ये सब यही रोक दो ना। इतना फेस को चेंज करते हैं, मैंने इनको देखा है अभी। ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन अब लौटते हैं गदर टू की कमाई। गदर टू की कमाई सुनकर लोग हैरान। 2001 में जो पहली गदर आई थी उसने करीब 150 करोड़ रुपए कमाए उस टाइम, जो उस जमाने के हिसाब से अच्छी खासी कमाई थी। 100 करोड़, 150 करोड़ इतनी आसान बात नहीं थी, बहुत होता। लेकिन गदर टू ने तो शुरुआती 3-4 दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गई। वेरी गुड। गदर टू की शुरुआती 3 दिन की ही कमाई देखें तो पहले दिन गदर ने करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई, 40 करोड़ 10 लाख। दूसरे दिन गदर 2 की कमाई रही 43 करोड़ 8 लाख, बढ़ रही है ये दिखा रहे हैं। और तीसरे दिन और बढ़ गई, उसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और 51 करोड़। लोगों की कमाते हैं, बढ़ रही है। यानी 3 दिन की गदर 2 की कुल कमाई करीब 135 करोड़। वेरी गुड। बनी कितने में थी? यानी हर बीतते दिन के साथ गदर 2 की कमाई और बढ़ती जा रही है ना, मैं बोल रही हूं। जबकि अमूमन इसके उल्टा होता है, दिन बढ़ते तो कमाई घटती जाती है। गदर 2 के तीसरे दिन की कमाई ने तो शाहरुख खान की पठान और बाहुबली तक को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। अगर आप इन फिल्मों के तीसरे दिन का जो कलेक्शन था उसको देखेंगे तो पठान ने तीसरे दिन 39 करोड़ रुपए की कमाई की, टाइगर जिंदा है ने करीब 45.5 करोड़ रुपए कमाए थे तीसरे दिन का कलेक्शन बता रहा, बाहुबली ने 46.5 करोड़ कमाए थे, KGF ने 50 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन गदर 2 ने तीसरे दिन की कमाई में इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और 51.5 करोड़ रुपए कमाए। यानी मतलब सनी देओल ने क्या नाम है उसका, शाहरुख खान को क्या ये फिल्म महा पीछे छोड़ दी? ऐसा है तो फिर इतनी कमाई कैसे हो रही? मैं बात करता हूं कि फिल्म को बेकार बता कौन रहा है? बहुत बता रहे हैं, ऐसे कौन है लोग, क्या तकलीफ है उन्हें इस गदर 2 को लेकर? तो आप खुद पाएंगे कि ज्यादातर रिव्यू देने वाले गदर 2 को 1.5-2.5 स्टार मैक्सिमम भैया, ऐसे अच्छा तो हमारे रिव्यू देख लिया करो। लिखा है कि सनी देओल की फिल्म में जो रिव्यू वाले कुछ भी नहीं है और फिल्म को 1.5 स्टार दिए मात्र 1.5 स्टार 5 में। कौन है? आज तक ने फिल्म के बारे में लिखा है कि फिल्म एक्शन और डायलॉग बाजी से भरपूर है, सीटियां मारने पर मजबूर कर देगी। लेकिन स्टार कितने दिए? 5 में से 3, यानी मात्र 60% रेटिंग। इसी तरह कई जगहों पर क्रिटिक की जो रेटिंग होती है उसमें मात्र 3 स्टार मिले, पाठकों की रेटिंग 5 में 5, वेबसाइट की रेटिंग कई जगहों पर 2-2.5 इस तरह से। अब यही सवाल कई लोगों के मन में है कि देखने वाला तो 5 में 5 स्टार दे रहा है, वो पैसा लगाकर फिल्म देखने भी जा रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि रिव्यू देने वाले 1.5 स्टार 2 स्टार कौन है, क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसकी बड़ी वजह है बड़े बड़े फिल्म पंडितों का दर्शक की पसंद को समझ ना पाना और सालों से ये मानकर चलना कि वही परम ज्ञानी है, वही फिल्म को ठीक से समझते हैं। ऊपर से बॉलीवुड में एक अलग ही रेटिंग नेक्सस भी चलता है। ये मेन रीजन। शाहरुख खान की पठान को 2 कौड़ी की फिल्म बताने वालों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन उसे चमकाने में रेटिंग देने वालों ने कोई कसर नहीं। तो मैं कह रही हूं। स्टार देने वालों ने झड़ियां स्टार क्या थी मूवी, लेकिन हर फिल्म इतनी खुश नसीब होती नहीं। ताकि ऐसा शाहरुख खान की तो पहली हिट हो जाती है, वेरी हिट है, जिनका मैंने जिक्र किया वो इसी तरह स्टार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक आम धारणा बनती जा रही है जिसको लेकर अक्सर चर्चा चलती रहती है कि क्या स्टार देने में स्टार्स को देखा जाता है, उन स्टार्स से रिश्तेदारी कैसी है ये देखा जाता है। यहाँ तक कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर गदर 2 के साथ ONG 2 और दूसरी फिल्में ना होती कॉम्पिटिशन में तो गदर 2 की कमाई और भी होती, बहुत होती। ऐसे में ये कैसे संभव है कि 2 कौड़ी की फिल्म जिसमें कुछ ना हो, कोई बेहतर स्क्रिप्ट ना हो, वो रिकॉर्ड कमाई करती चली जाए? अच्छा एक दिन कर लेगी, फिर दूसरे दिन भी कर लेगी मान लीजिए, लेकिन तीसरा दिन आप आते हैं तो लोग बता देंगे कि अरे यार 2 कौड़ी की फिल्म क्यों देखने जा रहे, यानी ये तुक्का तो नहीं हो सकता। ये भी संभव है कि रेटिंग देने वाले लोग जिस क्लास के हिसाब से रेटिंग दे रहे हैं उनका वो क्लास मास की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा, पता ना कौन सा क्लास है। ऊपर से राष्ट्रवाद की जो भावना अब जोर मारने लगी है वो भी गदर 2 के गदर मचाने की बड़ी वजह हो सकती है। इसलिए गदर 2 उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो राष्ट्रवाद को नजरअंदाज करके चलते हैं। बिल्कुल। अगर आप कंगना रनौत को देख लें वो भी यही बात कह रही कि गदर 2 नो ब्रॉट वी रिव्यूज नो फेक प्रोपेगेंडा नो बाइंग टिकट्स थ्रू बल्क कॉर्पोरेट बुकिंग्स फिल्मों को देखने के लिए जाने वाले नो कार्टून लुकिंग एक्टर्स और वो भी यही बात कह रही है। अगर ओ माय गॉड 2
और दूसरी फिल्म ना होती तो न जाने और किस किस का मैं तो समझ गई आपको तो लेकिन कुछ लोग हैं जो गदर 2 को खारिज किए जा रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड कमाई ये फिल्म करती जा रही है और शायद आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड तोड़े आपने अगर ये फिल्म देखी तो आपका रिव्यू क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बार बार बोल रहे हैं हम तो बोलते हैं थक भी नहीं रहे हैं पांच में से ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा 5000 और इस रिव्यू देने वाले इकोसिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइए निकालो इन लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा नमस्कार भाई मैं तो कहती हूँ ऐसे रिव्यू जो देते हैं ना इनको निकालो उनकी नौकरियों से उनको बोलो भैया तुम कोई और नौकरी अब ढूंढ लो तुम रिव्यू व्यू देने लायक नहीं हो इससे अच्छे रिव्यूज तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर ही दे देते हैं सच्चा रिव्यू तो देते हैं तुम पता नहीं किसके बिके हुए हो क्या हो और वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था कि कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट था कि नो क्या बोला था नो मतलब वो फेक जो नो कार्टून करेक्टर्स ट्रू मैनली हीरोज और हीरो है भैया और काफी ऐसी चीजें बताई हैं तो उससे पता चल रहा है कि कई मूवीज में उनको जबरदस्ती का हिट चाहे ना भी हो तो भी पब्लिक को दिखाते हैं कि बड़ी जी हिट हो गई है अरे हमें पसंद नहीं है मेजोरिटी को पसंद नहीं है हिट कहाँ से होगी कह रहे पहले से ही बुकिंग करके बैठे बहुत होते अच्छा हैं। बोला था उन्होंने कि आपको ट्रू एक एक्टर नजर आ रहा है जो वाकई स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ में भी है और नजर भी आता है वो लगता है उसको एक्शन अब अपनी एज के हिसाब से कर रहा है अपनी एज के हिसाब से कर रहा है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फादर अपनी फिजिक अपनी एज उसके हिसाब से एक्टिंग की है इसलिए हिट हुई है और अब देशभक्ति पे है जिस इमोशन से डायलॉग्स बोले हैं वो कनेक्ट होता और आंखें और पूरा जिस से किया है वो लगता है कि ये ट्रू इमोशन से एक्टिंग की है इतने साल बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली बहुत कुछ हुआ इवेंचुअली उन्होंने दिखा दिया कि इज अ ग्रेट एक्टर ही वाज ऑलवेज अ ग्रेट एक्टर बहुत अच्छी बात है कि यंगर जनरेशन को पता लग रहा है कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है जिससे अगली बार अगर को देखते हैं पठान छठान वो ना बोले ग्रेट उनको नजर ये ग्रेट होती है इमोशन जनरेट होता है बिल्कुल देश के प्रति प्यार जनरेट होता है आपको फैमिली वैल्यूज आती हैं और कई लोग इस मूवी में बहुत कुछ ग्रेट था तभी लोगों को अच्छा लगा और कई लोग आप लोग कहते हो कि आप शाहरुख खान को इसलिए बोलते हो क्योंकि वो मुस्लिम है फलाना मैं तो आप कमेंट सोच के मुझे बहुत हर्ट होता है कि हम उस टाइप के लोग ने कि हिंदू मुस्लिम के थॉट के ऊपर करेंगे हाँ हम देखते हैं कि काम क्या किया है ये मूवी में स्टोरी क्या है इस मूवी में मैसेज क्या है इस मूवी को अगर आज की जनरेशन देखेगी तो वो बेटर बनेगी कि गंदी बनेगी इसमें कुछ अच्छाई दिखा रहे हैं कि बुराई दिखा रहे हैं तो इस वजह से अब आप लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था कि आप ऐसे करते हो क्या उसने अच्छी मूवियाँ नहीं बनाई हैं जैसे चक दे इंडिया स्वदेश हम कहते हैं हाँ भाई बनाई है हमने भी वो मूवीज़ देखी है हमने भी बोला वो अच्छी मूवीज़ है अच्छी मूवी बनाएगा तो हम बोलेंगे अच्छी मूवी बनाई है भाई गंदी मूवी बनाएगा तो हम बोलेंगे गंदी मूवी बनाई है और Of the movie itself से मेरे तो problem है to be frank भैया इंडिया में रह रहे हो बना रहे हो तुम आप जो भी मूवी रख रहे हैं उसका नाम सही नाम तो अच्छा रखो भैया अपना पठान जो है करो मैंने पहले बोला इट्स नॉट नहीं और आपको कैसे नहीं दिखा उसमें प्रो पाकिस्तान लव कितना पाकिस्तान को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है वहां के लोग बड़े अच्छे हैं और दूसरा नेक्स्ट मूवी भी आ रही है जवान हमें नहीं पसंद आया उसका भाई देखिए अगर किसी को भी हिस्ट्री पढ़ी हो साफ साफ बात है हिस्ट्री पढ़ी हो तो पठान इज नेटिव टू अफगानिस्तान इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मगर पॉइंट ये कि पठान जो नेटिव टू अफगानिस्तान है अगर आपने इंडिया में मूवी बनानी है यू फाइंड समथिंग दैट इज नेटिव टू इंडिया और जवान में तो ऐसे लग रहा है दे आर प्रमोटिंग इविलनेस उसको देख के तो ऐसे इविल थॉट दिमाग खराब हो गया था ट्रेलर ही देख के और जो साइड वाले थे वो लड़कियां सी जो रखी हुई थी येलो वाली ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन बच्चे से उठा के आपने रख लिया अगर साइड्स में रखो तो ठीक जो लगे भी मतलब जी हाँ उस रोल में फिट तो होते हैं तो उसमें बहुत फ्लॉज थे एटलीस्ट जस्ट जो जो पार्ट हमने देखा था और सच बोल रहे हैं हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे कि व्यूअरशिप के लिए जो सच लगा वो देखेंगे जरूरी नहीं आप एग्री करो हमसे जरूरी नहीं हम आपसे एग्री करें इट इज ओके यू वी आर शेयरिंग ओपिनियंस तो जिसको जो मूवी पसंद आएगी वो देखे Anyhow, गदर इज अ ग्रेट गदर इज फैंटास्टिक भैया फैंटास्टिक मूवी थी जैसे कहते हैं मिट्टी पाओ आगे बढ़ो बिल्कुल मिट्टी पाओ आगे बढ़ो चलो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।